हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडिटर आनंद में। मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि अपने फ़ोटो को पेपर रोल कैसे बनाएं। तो उसके लिए सबसे पहले अपने पिकआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जिस भी फ़ोटो को आपको पेपर रोल बनाना है उस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब आपको यहाँ पर अपने फ़ोटो को PNG में बनाना है। तो PNG में बनाने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि PNG कैसे बनाते हैं फ़ोटो को। तो मैं अपने PNG फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो चलिए ऐड कर लेता हूँ मैं अपना PNG फ़ोटो। तो हमने अपना PNG फ़ोटो ऐड कर लिया है। अब आपको यहाँ से इसे कुछ बड़ा करके लगा देना है। तो चलिए मैं बड़ा कर देता हूँ। और आपको यहाँ ओके पर डन कर देना है। फिर दूसरी बार चले जाना है अपने उसी में और आपको दूसरा फ़ोटो फिर उसी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और फिर इस भी फ़ोटो को आपको जूम कर देना है कुछ इस तरह। जूम करने के बाद आपको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है। तो चलिए मैं मैनेज कर लेता हूँ। देखिए हमने मैनेज कर लिया है। अब आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक मार देना है। उसके बाद में आपको सेव करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर एरो पर क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पर सही जगह एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और आपका फ़ोटो सेव हो जाएगा अपनी गैलरी में। तो चलिए फ़ोटो को दिखाता हूँ कहाँ पर सेव हुआ है। तो मैं अपने एल्बम में चला जाता हूँ और दिखाता हूँ मेरा फ़ोटो कहाँ पर सेव हुआ है। तो यहाँ पर आया है पिकआर्ट में। तो देखिए हमारा फ़ोटो ऐसा सेव हुआ है, कितना अच्छा दिख रहा है। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो।